अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के कानपुर की, जहां गोविंद नगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुरेंद्र मैथानी ने अपने क्षेत्र के नौरैया नेखेड़ा अंतर्गत शांति नगर मलिन बस्ती में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के घर पर नल से पानी पहुंचाने की व्यवस्था का शुभारंभ किया है। विधायक ने उपस्थित जन समुदाय से कहा कि विगत चुनाव में मैंने जो वादा आप सबसे किया था कि प्रत्येक घर में नल से पानी देने की व्यवस्था सुरक्षित करूंगा, उसको अपनी सरकार बनने के मात्र 100 दिन के अंदर ही पूर्ण करने का काम मोदी और योगी की कृपा से संपन्न कराया गया है। विधायक ने बताया कि जब से शांति नगर बस्ती बसी थी, तब से आज तक पूरी बस्ती के लोग पानी की व्यवस्था के लिए दूर दूर तक मजबूरी में पेयजल हेतु जाते थे और पानी के कारण कई बार झगड़े भी होते थे और स्थिति पुलिस को संभालनी पड़ती थी। ऐसे में प्रत्येक घर को पानी देकर उन माताओं, बहनों और कन्याओं के लिए अतिरिक्त सुविधा प्रदान की गई, जिसके आधार पर अब उनको पीपे और बाल्टी लेकर हैंड पंपों में कतार लगाकर पेयजल की व्यवस्था के लिए समय बर्बाद नहीं करना पड़ेगा। उपस्थित जन समुदाय ने विधायक का फूल माला पहना करके स्वागत किया। माता और बहनों ने बढ़ चढ़ करके खुशी व्यक्त करते हुए आभार दिया और सार्वजनिक रूप से उक्त शुभांकर अवसर पर योगी और मोदी का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से विधायक सुरेंद्र मैथानी के साथ अखिलेश पांडे एवं विनोद कुशवाहा एवं मनोज कठेरिया एवं चंद्रेश्वर एवं पप्पू पासवान व संदीप मुन्नू शुक्ला और सत्यवती एवं सविता कुशवाहा आदि उपस्थित थे। विराट 24 के लिए कानपुर से सुरेंद्र मिश्रा की रिपोर्ट। काम कर रहा हूँ और अब आज के बाद आपको पेयजल की व्यवस्था तो प्राप्त होगी होगी, इसके अलावा भी अगर कोई किसी योजना से वंचित रह जाए, किसी को मेडिकल की सुविधा, किसी का आवास, किसी कन्या का विवाह के लिए कहीं किसी भी प्रकार की योजनाओं से संबंधित अगर आपको लाभान्वित होना हो तो उसके लिए भी आप हम सबकी मदद ले सकते हैं, हमारे कार्यकर्ताओं की मदद ले सकते हैं। जब सरकार दे रही है तो मुझे लगता है कि आपको आगे बढ़ करके उन योजनाओं से लाभान्वित होना चाहिए।